टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। मौसम वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि मॉनसून ने भले ही देश में खरीफ फसलों की बुआई को प्रभावित किया हो, लेकिन उत्पादन, खाद्य सुरक्षा और मुद्रास्फीति को लेकर घबराना या चिंता करना जल्दबाजी होगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 15 जुलाई तक धान की खेती का रकबा 17.38% घटकर 128.50 लाख हेक्टेयर रह गया, जो पिछले साल 155.53 लाख हेक्टेयर था। हालांकि मंत्रालय ने कहा है कि खरीफ फसलों के रकबे में अभी तक की कमी चिंता का विषय नहीं है और इस महीने मॉनसून की बारिश की प्रगति के साथ इस अंतर को पाटा जाएगा। वहीं मॉनसून देश की वार्षिक वर्षा का लगभग 70% हिस्सा है और इससे शुद्ध बुआई के रकबों के 60% भाग की सिंचाई होती। भारत की लगभग आधी आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर। मौसम विभाग ने इस साल सामान्य मॉनसून रहने की भविष्यवाणी की है। 1 जून को मॉनसून के मौसम की शुरुआत के बाद से अब तक देश में 14% अधिक वर्षा दर्ज की गई है, लेकिन वितरण असमान रहा है। जहां दक्षिण और मध्य भारत में अतिरिक्त बारिश हुई, वहीं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में कमी दर्ज की गई है। स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष ने कहा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के चावल उत्पादक राज्य में कम बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश में सामान्य से 65% कम बारिश हुई है। वहीं बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 15 जुलाई तक 42%, वहीं 59% और 24% बारिश की कमी दर्ज की गई है। बारिश की कमी ने इस क्षेत्र में मुख्य फसल धान की बुआई को प्रभावित किया है। वहीं बता दें कि अधिक बारिश से मध्य भारत में कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है और तिलहन और अनाज और दालों को नुकसान पहुंचा है। गुजरात में 1 जून से अब तक बता दें 85% अधिक बारिश हुई है। महाराष्ट्र में 46% अधिक बारिश हुई है, जबकि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में 12% और 18% अधिक बारिश हुई है। महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में 23 जून तक 30%, बता दें लगभग 54% और 27% बारिश की कमी थी। वहीं बता दें मध्य भारत में जुलाई में बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक कम दबाव वाले क्षेत्रों के उत्पन्न होने के कारण अधिक वर्षा हुई, जिसने मॉनसून को असामान्य रूप से लंबी अवधि के लिए उत्तर की ओर नहीं बढ़ने दिया। इससे उत्तर भारत शुष्क बना रहा। उन्होंने कहा कि ओडिशा और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात में बारिश की तीव्रता आने वाले दिनों में कम होने का अनुमान है, क्योंकि मॉनसून उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने कहा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर में 18 जुलाई से अगले 5 दिनों तक बारिश बढ़ेगी। वहीं पंजाब किसान आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि खरीफ की बुआई में देरी चिंताजनक है, लेकिन अभी स्थिति गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा, मॉनसून की विफलता का मुद्रास्फीति पर भारी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अभी इसे विफल नहीं कहा जा सकता है। कुछ जगहों पर ये अनिश्चित हो सकता है, लेकिन इसे प्रतिबंध किया जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा, हमें घबराने की अभी जरूरत नहीं है। खाद्य एवं व्यापार नीति विशेषज्ञ ने बताया कि धान की बुआई में देरी हो सकती है, लेकिन अभी भी समय है। उन्होंने कहा, ऐसी मान्यता है कि अगर मॉनसून अप्रत्याशित रहता है तो ये उपज को प्रभावित करने वाला है। वहीं गर्म लू के एक शुरुआती हमले ने पहले ही रबी फसलों को प्रभावित किया है, जिससे सरकार को गेहूं के निर्यात पर अंकुश लगाने और उत्पादन पूर्वानुमानों में लगभग 5% की कटौती करने के लिए प्रेरित किया था। यह अनुमान 11.13 करोड़ टन से घटकर 10.64 करोड़ टन रह गया है। वहीं विशेषज्ञ सरकार से गेहूं के निर्यात को विनियमित करने के लिए कह रहे हैं, ताकि धान की पैदावार में गिरावट की स्थिति में किसी भी दुर्भाग्यपूर्व स्थिति से वह बचा जा सके। वहीं दुनिया एक ऐसे चरण में प्रवेश कर रही है जहां मौसम अतिरेक की घटनाएं अक्सर होती हैं। तापमान और बारिश ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर जा रही है और हमें हमेशा पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखने की जरूरत है। ये अप्रत्याशित समय है जो हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। साथ ही राष्ट्रीय हित के बारे में सोचना चाहिए और उद्योग की बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। वहीं बता दें, भारत चावल का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसका विश्व चावल व्यापार में 37% से अधिक का योगदान है। उपज में कमी सरकार को अपने निर्यात को विनियमित करने के लिए प्रेरित कर सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI के बता दें माइक्रो बायोलॉजिकल डिवीजन के प्रमुख अन्नपूर्णा ने कहा कि फसल की बुआई पूरी होने तक सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।